अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। हम इसमें वेक्टर्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के मेथड्स पढ़ रहे हैं और प्रीवियसली हमने डॉट मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी और आज हम क्या पढ़े हैं, आज हम क्रॉस या फिर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे कि हम दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करें और आंसर वेक्टर आए। सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन लिखनी है इसकी। डेफिनेशन खुद से लिखोगे कि जब दो वेक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए कि उनका आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आए, तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को वेक्टर या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इस तरह से आने वाले प्रोडक्ट को हम वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड इन सच अ वे दैट देयर प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन सच टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड क्रॉस और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। When two vectors are multiplied in such a way that their product is a vector quantity, then such type of product is called cross or vector product, and such type of multiplication is called vector or cross multiplication. आप इसके बाद क्या करोगे? Mathematically define करोगे कि mathematically कैसे express करेंगे? हम कहेंगे mathematically a cross b is equal to a b sine theta into unit vector n. आप बताओगे कि ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, ए एंड बी आर देयर मैग्नीट्यूड्स, इसके अलावा साइन थीटा इज साइन ऑफ एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टेल्स of vector A and vector B, या heads में के दरमियान भी हो सकता है, tail और head के दरमियान भी नहीं हो सकता। फिर n क्या कहोगे? n को कहोगे कि it is normal unit vector, it is perpendicular to the plane obtained या plane formed by vectors A and B. Vector A and B जो plane बनाएंगे normal उनके normal vector उनके perpendicular होगा। और find कैसे करते हैं इसको? इसको हम find out करते हैं by right hand rule for vector product. तो भाई right hand rule for vector product क्या है? abbreviations paper में नहीं लिखोगे आप, पूरा पूरा लिखना है आपने वर्ड। सो भाई राइट हैंड रूल क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये एक पेपर है, इस पेपर के ऊपर दो वेक्टर्स बने हुए हैं, इस पेपर के ऊपर दो वेक्टर्स बने हुए हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, इनके टेल्स में बनने वाला एंगल थीटा है। तो भाई अब यहां पे इस तरह के ऊपर लेट्स से मैं कहता हूं कि ये एक सर्टन लाइन लेंथ है जो ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपने क्या करना है? आपने करना है ओपन फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, खुद लिखोगे आप लोग। लेट्स से मैं कहता हूं ये दो वेक्टर्स हैं और ये वेक्टर्स कौन से हैं? ये वेक्टर्स ए एंड बी हैं। और प्लेन कौन सा है? प्लेन बोर्ड का प्लेन है। ओपन फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। लेट्स से मैं कहता हूं ए क्रॉस बी करना है, तो पहला वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है। ओपन फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। Now curl them towards second vector through shorter of two possible angles. अब सिर्फ fingers को curl करना है, हाथ को curl नहीं करना। जरी बात है कि अगर fingers को ऊपर लेके जाना है तो आपको अपने हाथ को इस तरह करना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे कि पहला vector A है, उसे fingers को घुमा के दूसरे vector की तरफ लेके जाओगे shorter of two possible angle में। एक angle ये वाला है, shorter angle है, और longer angle ये पूरा angle है। इसलिए आपने shorter angle में जाना है कि open fingers of your right hand in the direction of first vector and curl them towards second vector through shorter of two possible angles. The stretched thumb will point out in the direction of their vector product. ये तरफ आपको direction देगा। अब मैं कहता हूँ कि let's say ये magnitude था, तो ये इस direction में आने वाला normal unit vector है जिसे मैं n hat कहता हूँ, और इससे multiply होने के बाद ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a cross b। तो भाई अगर मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे ए क्रॉस बी किया है और ए क्रॉस बी करने से आंसर आपकी तरफ आया है कि ये ए है वेक्टर, ये बी है, आंसर आपकी तरफ आया है,
तो जब मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो आंसर आपसे अवे आएगा, ठीक है। तो इस बात का मतलब हुआ कि जब मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो आंसर डाउनवर्ड आएगा। अब ये लाइन है, इसको मैं इस यूनिट वेक्टर एन प्राइम हेड से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वेक्टर बन जाता है, वेक्टर किसके इक्वल है, बी क्रॉस ए के इक्वल है। तो क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास एक लाइन अपवर्ड आई है, मतलब ये अगर पेपर इस तरह पड़ा हुआ है तो एक लाइन ऊपर को आई है, एक नीचे की तरफ आई है। ये होगा ए क्रॉस बी और ये होगा बी क्रॉस ए। इस बात का मतलब है दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर एक वेक्टर के डायरेक्शन को उल्टा लूं, दैट मीन इसे माइनस बी क्रॉस ए कह दूं, तो फिर ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए आपस में इक्वल आ जाएंगे, वरना ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन देना है और अब उसके बाद स्टार्ट होगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ तक कोई भी बात ना समझ में आई तो पूछ सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में नंबर वन वही होगा जो हमने ये बात कर ली है, हमें ये बात पता है कि जो ए बी साइन थीटा है, ए क्रॉस बी है, वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। हम ये बात बताएंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट कम्यूट, वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को इक्वल नहीं कह सकते, ये दोनों इक्वल नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। जबकि जो स्केलर प्रोडक्ट था उसमें ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल आए थे, लेकिन यहाँ पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है, तो दे डू नॉट कम्यूट, वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्यों? ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये बात एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आपने एक्सप्लेन करनी है वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए है। आप लोग ये बात जानते हो कि साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 0 डिग्री 0 के इक्वल होता है। अगर साइन 0 डिग्री 0 है तो इस हिसाब से अगर दो पैरेलल वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, और आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप ए क्रॉस बी करोगे और लिखोगे ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन 0 डिग्री इनटू यूनिट वेक्टर एन, आंसर आएगा 0 इनटू एन, दैट इज नल वेक्टर। तो दो पैरेलल वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, इसका आंसर नल वेक्टर आएगा। इसी तरीके से अगर मैं सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें कि लेट्स से मैं कहता हूं कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और उसे मैंने उसी वेक्टर ए के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो एक वेक्टर खुद से हमेशा 0 डिग्री एंगल बनाता है, तो इस हिसाब से a into sin 0 डिग्री into यूनिट वेक्टर n आएगा, जिसका आंसर 0 into n या फिर नल वेक्टर होगा। पॉइंट टू बी नोटेड के डॉट प्रोडक्ट में a डॉट a का आंसर a स्केयर हुआ करता था, ठीक है, और पैरेलल वेक्टर्स का आंसर मैक्सिमम हुआ करता था, लेकिन यहां से उनका आंसर नल वेक्टर आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बात कर देता हूँ यूनिट वेक्टर्स की, भाई यूनिट वेक्टर्स के अंदर अगर मैं करता हूँ i क्रॉस i, दैट मीन्स i मैग्नीट्यूड साइन 0 डिग्री इनटू यूनिट वेक्टर n, दैट मीन्स लेट्स से ये i हैट है, ये भी i हैट है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आंसर क्या आएगा, 0 इनटू n हैट, दैट इज नल वेक्टर। सिमिलरली j क्रॉस j और k क्रॉस k, वो भी किसके इक्वल आएंगे, वो भी 0 के इक्वल आएंगे, नल वेक्टर के इक्वल आएंगे। बच्चों आपने ये बात नोटिस करनी है कि हमारे पास इस जगह के ऊपर i को i से, j को j से और k को k से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, जबकि डॉट वाले केस में i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k वन होते थे, मल्टीप्लाई उन्हीं को करना होता था, लेकिन यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, आंसर क्या होगा, आंसर होगा नल वेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से 90 डिग्री भी करना है, लेकिन चलो मैं पहले 180 डिग्री कर देता हूँ। 180 डिग्री अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल हो, ठीक है, और साइन 180 कितना होता है, वो भी 0 के इक्वल आता है, दैट मींस अगर मैं कहता हूँ कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर फिर भी क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 180 डिग्री इंटू यूनिट वेक्टर एन, आंसर कितना आएगा, 0 इंटू एन हैट या फिर नल वेक्टर। तो इसी हिसाब से जब मैं यहाँ पे एक वेक्टर को उसी के नेगेटिव वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी आंसर नल वेक्टर आएगा, ठीक है। तो अगर मैं करता हूँ a क्रॉस माइनस a, तो आंसर क्या आएगा, a माइनस बाहर कॉमन निकाल देते हैं, माइनस बाहर a इंटू साइन 180 डिग्री इंटू यूनिट वेक्टर n, दैट मीन 0 इंटू n हैट, दैट मीन नल वेक्टर। इस तरीके से i क्रॉस माइनस i करना हो तो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस i क्रॉस i, तो ये क्या होगा, ये नल वेक्टर होगा। इसी तरीके से
जे क्रॉस माइनस जे करना हो तो ये होगा माइनस जे क्रॉस जे, भाई क्योंकि जीरो के साथ नेगेटिव पॉजिटिव की सेंस नहीं होती, इसलिए इस तरीके से अगर एक वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में, तो हर केस में पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स का आंसर क्या आएगा, वो आएगा नल वेक्टर। अब बात करते हैं 90 डिग्री की। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों, उनके दरमियान में 90 डिग्री का एंगल हो, तो भाई साइन 90 डिग्री क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है, और ये मैक्सिमम आंसर होता है। दैट मींस अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो उस केस में जब ए क्रॉस बी करेंगे तो आंसर आएगा ए बी साइन 90 डिग्री इंटू यूनिट वेक्टर एन, और आंसर आएगा ए बी इंटू एन, जो कि इसका मैक्सिमम पॉसिबल आंसर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक नोट लिख लें, नोट ये लिखें कि ओनली those vectors are multiplied using cross या फिर vector multiplication which give maximum effect when they are perpendicular to each other। जैसे कि टॉर्क, ठीक है, आर और एफ मोमेंट आर्म और फोर्स परपेंडिकुलर हो तभी मैक्सिमम इफेक्ट आता है, लेकिन वो वेक्टर जिनको मैक्सिमम इफेक्ट तब आता है जब वो पैरेलल हो, जैसे कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क, तो उनको स्केलर मल्टीप्लिकेशन के जरिए मल्टीप्लाई किया जाता है। कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के जरिए से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे नोट लिख लिया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आई क्रॉस जे करता हूँ, दैट मीन्स यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं, यूनिट वेक्टर्स के अंदर अगर मैं क्या करता हूँ आई क्रॉस जे लिखता हूँ तो क्या आंसर आएगा, तो ये होगा आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड साइन 90 इंटू एन हैट। इसका क्या आंसर आता है वो देखते हैं अभी हम। ये तो 1 1 1 हो गए तीनों, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, एन हैट का आंसर देख लेते हैं। इसी तरीके से J क्रॉस K करना है तो J मैग्नीट्यूड K मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री इंटू एन हैट क्या आंसर होगा वो देखते हैं। ये सारे एन हैट डिफरेंट है, इसे मैं लेट से एन वन इसे एन टू कह देता हूँ, और K क्रॉस I करेंगे तो क्या होगा, ये होगा K I साइन 90 डिग्री इंटू एन हैट, और आप इसे थ्री कह लेते हैं। इसी तरीके से आप इसको उल्टा लीजिए, मैं लिखता हूं J क्रॉस I, दैट मीन्स J I साइन 90 डिग्री इंटू एन हैट। इसके अलावा फिर K क्रॉस J कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा K J साइन 90 डिग्री इंटू एन हैट, और फिर कर लेते हैं I क्रॉस K, तो भाई ये बनेगा I मैग्नीट्यूड K मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री इंटू एन हैट, और एन 6 है इस दफा, तो इनमें तमाम में देख लेते हैं कि क्या आंसर जाते हैं। बच्चों लेट्स से मैं कहता हूं कि यहां पे इसके ऊपर ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3 डायमेंशनल, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, x एक्सिस बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, और ये नेगेटिव x, नेगेटिव y और नेगेटिव z एक्सिस है। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i हैट कहलाता है, इस डायरेक्शन वाला क्या कहलाता है j हैट कहलाता है, इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 1 का वेक्टर क्या कहलाता है k हैट कहलाता है। अब अगर मैं यहाँ पे i क्रॉस j करता हूँ तो आंसर क्या आता है, तो इसके उलट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा फिर क्या आएगा, माइनस क्या आएगा अगर मैं जे क्रॉस आई करूंगा। इस तरीके से अगर मैं जे क्रॉस के करता हूं तो आंसर आई आता है, तो अगर मैं यहाँ पे जे क्रॉस के करता हूं तो आंसर आई आता है, उलट करूंगा तो माइनस आई आएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं के क्रॉस आई करता हूं तो आंसर जे आता है, और अगर आई क्रॉस के करता हूं तो आंसर माइनस जे आता है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या बनेगा जे, और यहाँ पे क्या बनेगा माइनस जे। इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट के ऊपर इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। अब जो हमने यहाँ पे बात नोट करनी है वो ये,
कि हम इसके लिए शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हैं कि सर्कल बनाइए, एक ही डायरेक्शन में एरो हेड लगाइए, किसी भी जगह से स्टार्ट करते हुए सीक्वेंस में आई जे और के लिख दीजिए। तो आई जे का आंसर के होगा, जे क्रॉस के आई होगा, के क्रॉस आई जे होगा, लेकिन जे क्रॉस आई माइनस के होगा, जे क्रॉस के क्रॉस जे माइनस आई होगा, और इसके अलावा जे क्रॉस आई माइनस के इक्वल होगा। तो ये तमाम चीजें आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हमने परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात कर ली। अब उसके बाद नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक ये होगी कि जिस तरीके से हमने स्केलर प्रोडक्ट वाले केस में देखा था कि अगर आपने ए क्रॉस बी कर, ए डॉट बी करना है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके एंगल टेल में एंगल जो थीटा बन रहा है, तो आप क्या करते थे, आप यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते थे और ए कॉस थीटा इनटू बी करते थे, या फिर इस तरह से करते थे कि अगर ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, तो आप क्या करते थे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते थे और इसे लिखते थे बी कॉस थीटा। तो भाई आपको अगर ए डॉट बी में फाइंड करना है ए बी कॉस थीटा, तो किस तरीके से फाइंड करते थे आप, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर की उसकी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, आप एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर की उस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन को मल्टीप्लाई करके स्केलर प्रोडक्ट का आंसर निकाल लिया करते थे। इसी तरीके से जो हमारे पास ये है मैग्नीट्यूड फॉर ए बी साइन थीटा, कैसे फाइंड करेंगे ये हम, ये हम फाइंड करेंगे बाय एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के जरिए से फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, लेट्स से मैं कहता हूं कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये इसकी साइड ए है, ये साइड बी है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाली लाइन क्या होगी, ये वाली लाइन होगी ए साइन थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा एरिया का, ये होगा ए साइन थीटा इंटू बी, ठीक है। या मैं इस तरह से कर सकता हूं कि अगर यहां पे इस तरीके से पैरेललोग्राम बनी हुई है और ये साइड ए है, ये साइड बी है, एंगल ये बन रहा है, और यहां पे परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो ये बी साइन थीटा बनता है। तो फिर अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे आएगा, वो आएगा ए इंटू बी साइन थीटा। तो इस बात का मतलब है कि मैंने इस जगह के ऊपर जो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है उधर भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही निकालना है। ये बात नोटिस कीजिएगा कि अगर यहाँ पे इस जगह के ऊपर आप बिल्कुल ही स्केयर बना लोगे, तो स्केयर में इस जगह के ऊपर ये साइड ए होगी, ये साइड बी होगी, और साइन थीटा का आंसर क्या होगा, वन होगा। फिर सिर्फ ए बी को मल्टीप्लाई करना होगा, फिर साइन थीटा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि लेट्स से हमारे पास कोई पेपर है और पेपर के ऊपर ए और बी दो वेक्टर्स बने हुए हैं, लेट्स से ये एक पेपर है और पेपर के ऊपर दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो आप क्या करो, इनके दरम्यान में एंगल टेल निकालो, थीटा टेल के दरम्यान में एंगल थीटा निकालो, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड कर लो। तो भाई अगर आप यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करोगे तो क्या आंसर आएगा, उसका आंसर होगा ए का मैग्नीट्यूड और बी साइन थीटा, या ए साइन थीटा और बी, ठीक है, ये आंसर होगा, या फिर ए साइन थीटा इंटू बी, एक ही बात होगी जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ए बी साइन थीटा फाइंड आउट कर लोगे, जो कि किसके इक्वल है, जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, जो क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। तो इस तरीके से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात कर ली। अब आखिरी करैक्टरिस्टिक, अगर थ्री डी वेक्टर्स हों तो हम उनको किस तरीके से मल्टीप्लाई करें। फॉर थ्री डी वेक्टर्स, लेट्स से वेक्टर है वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और वेक्टर बी कौन सा है, वो है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ए क्रॉस बी करना है, तो ये बन जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के क्रॉस दूसरा वेक्टर बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। हर टर्म ने हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है, ये बनेगा ए एक्स आई क्रॉस बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के।
प्लस ए वाई जे क्रॉस बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के प्लस ए जेड के क्रॉस बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के। अब उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन करो, क्या बनेगा, ये बनेगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, फिर ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, फिर बनेगा ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, फिर बनेगा ए वाई, ये स्टार्ट हो जाएगा ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, फिर बनेगा ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, फिर बनेगा ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। ठीक है, तो हमने इसको इससे भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। अब आ रही है इसकी, क्या लिखा जाएगा, यहां पे लिखा जाएगा ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, और फिर लिखा जाएगा ए जेड बी वाई, और क्या होगा के क्रॉस जे होगा। इसके बाद क्या लिखा जाएगा ए जेड बी जेड, और ये क्या होगा, ये के क्रॉस के होगा। तो भाई पहली बात, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म नल वेक्टर है, क्योंकि आप सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर नल वेक्टर होता है, बाकी को देखना नहीं है। बेटा माइक म्यूट करो अपने, या क्वेश्चन पूछना तो पूछ लो। ये वाली टर्म बचेगी, क्या होगा ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी क्या बनेगा, ये बनेगा ए एक्स बी वाई, और आई क्रॉस जे क्या होता है जी के। ठीक हो गया, ये टर्म हो गई। इसको देखिए, ये लिखा हुआ है ए एक्स बी जेड, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या होता है माइनस जे, इधर लिख दें माइनस जे। फिर उसके बाद ये टर्म हो गई, अब इसकी बारी है, क्या लिखा हुआ है ए वाई बी एक्स, आगे क्या है जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या होता है जी माइनस के होता है, यहां माइनस के लिख दीजिए। ये टर्म भी हो गई, अब आ रही है इस टर्म की, ये क्या है, ये है ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के क्या होता है, वो होता है आई, उसकी जगह पे आई लिख लीजिए। उसके बाद इस टर्म की बारी है, ये टर्म क्या है, ये टर्म है ए जेड बी एक्स, और के क्रॉस आई क्या होता है, के क्रॉस आई होता है जे। फिर ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म क्या है, ये वाली टर्म है ए जेड बी वाई, और आगे क्या मौजूद है के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या होता है माइनस आई होता है। तो भाई ये टर्म्स आ गई है, रीअरेंज कर लें, क्या बनेगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, पहले आई वाली टर्म लिखें, ये टर्म और ये वाली टर्म, क्या बनेगा ए वाई बी जेड आई माइनस ए जेड बी वाई आई, फिर जे वाली टर्म लिखिए प्लस ए जेड बी एक्स जे माइनस ए एक्स बी जेड जे। तो मैंने ये वाली टर्म भी लिख ली है, ये वाली टर्म भी लिख ली है। फिर आती है के वाली टर्म, वो कौन सी है, वो है ए एक्स बी वाई के माइनस ए वाई बी एक्स के, ये टर्म और ये टर्म लिखी गई है। अब कॉमन निकाल लें, तो भाई ए क्रॉस बी का आंसर क्या आएगा, वो आएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, और बाहर लिखा जाएगा आई प्लस, इधर लिखा जाएगा जे के लिए ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे, फिर इसमें से कॉमन निकलेगा, क्या लिखा जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के। तो आपको भी बात पता होनी चाहिए कि ए वाई और बी वाई वगैरह ये तमाम किसी नंबर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो असल में हम यहाँ नंबर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, और आंसर जो है वो क्या आ रहा होगा, आंसर वेक्टर आ रहा होगा। अभी आपको ये मेथड बहुत लेंथी लग रहा है, लेकिन बाद सॉल्व करते हुए जब एक्चुअल वैल्यूज होती हैं तो ये बहुत कन्वीनियंट होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने तमाम स्टेप्स एक्सप्लेन किए हैं। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, आप ये नहीं लिख रहे होते कि इस जगह के ऊपर ए एक्स बी एक्स है, थ्री इंटू फोर डेट ट्वेल्व लिखते हो, आई क्रॉस आई को डायरेक्टली जीरो करते हो। तो इस तरीके से ना ये मल्टीप्लाई करना होता है, सर्कल बना के ये काम कर सकते हो। इसके अलावा एक और मैथड है, वो है डिटर्मिनेंट मैथड।
एक काम करता हूँ, इस वाली टर्म में से नेगेटिव कॉमन निकालता हूँ, ये टर्म क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी a क्रॉस b इज इक्वल टू ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई, ये टर्म वैसे ही है, j वाली टर्म में से माइनस कॉमन निकालना है, ये टर्म पहले और ये बाद में आ जाएगी, क्या लिखा जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स j और इसके अलावा प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के। तो भाई ये टर्म हमारे पास मौजूद है, ये हमारी एक सर्टन इक्वेशन है, इसको हम डिटरमिनेंट मेथड से अगर मल्टीप्लाई करना चाहें जैसे कि मैट्रिसेस में पड़े हुए हैं, तो भाई उसके लिए क्या करते हो, 3x3 की मैट्रिक्स बनाते हो, भले वेक्टर 2x2 का हो, उसमें के कंपोनेंट हो ही ना, तो भी डिटरमिनेंट 3x3 का ही बनना है, जो कंपोनेंट्स नहीं है उनकी जगह पे 0 पुट कर दो। तो भाई यहां पे लिख दो आई जे के, इधर लिखो ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, डिटरमिनेंट ओपन कर लो, क्या करना है आपने, ए क्रॉस बी 3x3 के मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट को 2x2 की डिटरमिनेंट में तब्दील करना है। सबसे पहले क्या लिखोगे, i को ओपन करोगे और साथ क्या आएगा, साथ एक टर्म आएगी कि ये कॉलम और रो छोड़ दो, बाकी जो बचता है वो लिख लो, वो क्या है ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। फिर उसके बाद अगली चीज आएगी j, j के लिए वो कॉलम और रो छोड़ दो जिसमें j मौजूद है और बाकी लिख दो, वो क्या होगा ए एक्स ए जेड और बी एक्स बी जेड। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी k के लिए और k के लिए k का कॉलम और रो छोड़ दो, बाकी जो बचता है वो साथ लिख दो ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। इसके बाद एक जो चीज है कि दरमियान ऐड हो रही है सब्ट्रैक्ट, उसके लिए रूल ये है कि 3x3 का डिटरमिनेंट जब बनाया जाता है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम इसके बाहर प्लस इसके बाहर माइनस इसके बाहर प्लस लिखते हैं, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आना है, अगर मैं इसको खोलता तो यहाँ माइनस आता और यहाँ प्लस माइनस प्लस आता। तो भाई मैं इस रो को बेस बना के भी खोल सकता था, इस रो को भी, इस कॉलम को, इस कॉलम को, इस कॉलम को भी, लेकिन फिलहाल मैंने ऊपर वाली रो को बेस बना के खोला ताकि सबसे आसान काम हो जाए। अब आपको पता है यहाँ पे रूल ये होता है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, उसमें से इसके प्रोडक्ट को माइनस कर देना है। तो भाई ए क्रॉस बी क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी बन जाएगा ए वाई बी जेड ये मल्टीपल माइनस ए जेड बी वाई ये मल्टीपल, बाहर आ जाएगा आई, इसके बाद माइनस है जे, इधर लिख दीजिए ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, उसके बाद ये वाला आ जाएगा के, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, वैसे ये जे और के आखिर में लिखे जाते हैं, तो यहाँ पे जे और यहाँ पे के लिख लें। अब ये इक्वेशन सेम वही इक्वेशन है जो कि ये वाली इक्वेशन है, तो दोनों तरीकों से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपको फिलहाल ये तरीका शॉर्ट लग रहा है, लेकिन बाद में वो वाला तरीका इससे भी शॉर्ट हुआ करेगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ ली सारी डिटेल, करेक्टरिस्टिक पढ़ ली, और अब मैं उसके बाद बात करता हूं कि हमने किस तरीके से यहां पे इसकी एग्जाम्पल्स देनी है। एग्जाम्पल्स क्या होंगी, एग्जाम्पल्स होंगी टॉर्क की, क्या होता है आर क्रॉस एफ होता है, एंगुलर मोमेंटम की, वो क्या होता है आर क्रॉस पी होता है, फिर इसके बाद लीनियर डिस्टेंस की, वो क्या होता है ओमेगा क्रॉस आर होता है, फिर उसके बाद सॉरी थीटा क्रॉस आर होता है, फिर उसके बाद वी की, वो क्या होता है वो ओमेगा क्रॉस आर होता है, ए क्या होता है वो अल्फा क्रॉस आर होता है, इस तरीके की और बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी जो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए दी जा सकेंगी। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। इसके अलावा इन्होंने सेकंड ईयर की एग्जांपल बुक में लिखी है, वो भी लिख देता हूँ, वो है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किसके बराबर होती है, वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वी क्रॉस बी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय चार्ज उसके इक्वल होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, तो फिलहाल इतना ही था, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़।